राहत देखी थी इस दिन की कब से, आगे के सपने सजाए रखे थे ना जाने कब से। बड़े उतावले थे यहाँ से जाने को, जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को। पर ना जाने क्यों दिल में आज कुछ और आता है, वक्त को रोकने का जी चाहता है। जिन बातों को लेकर कभी रोते थे आज उन पर ही हंसी आती है। कहा करते थे बड़ी मुश्किल से 4.5 साल सह गए, कहा करते थे बड़ी मुश्किल से 4.5 साल सह गए, पर आज क्यों लगता है जिंदगी के सबसे अच्छे पल पीछे रह गए। आज फिर वो दिनों को जीने का दिल करता है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हो टोको करके गोल। बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल की इडियट है, प्यार से उसको समझा ले। होंठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के कौन। Oh,
एकदम आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना पड़ते जाते। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो मैम, मैम डाउट इन द लेक्चर व्हिच यू हैव गिवन यस्टरडे। यस रहे, हर दुरुत दुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़।
पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर। शुरू कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू खिस खिस के भेजा चलने तेज धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार ओ भूल जाए एवरेस्ट चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार ओ टकपक टकपक ब्रेड को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार। डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़ कट कट के पीछा टॉनिक जीत का यार रट्टा मार गाइस रिजल्ट आया क्या है सब लोग पास हो गए हेलो बाबा मैं डॉक्टर थाली रिजल्ट आ गया जो दृष्टि को बताती है उसने नहीं देखा होगा ब्रो हम पास हो गए जल्दी देख क्या सब पास हो गए अपने बैच में से अपने नो यार बट जल्दी उठना पड़ेगा तो यार। क्या कर रहे यार हाँ बट यार मैनेज करना पड़ेगा अभी ये भी हो जाएगा सेम चल कल मिलते हैं बाय क्या से क्या हुआ देखा तो कटोरा झाका तो कुआ बदलते थर्ड ईयर एक्चुअली इनको ना अल्ट्रासाउंड देना है फॉर 10 मिनट्स विद 0.8 इंटेंसिटी वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पल्स सो दे यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है मैम को पूछ लेते चलेगा पूछते हैं मैम डाउट हम देखो ना इसका मतलब क्या है
आपको पता है। अरे ये तो मुझे भी नहीं आता, अब अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। पढ़ के आओ। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिकर थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती, और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। चलो चलो, यू ऑल कैन गो होम नाउ, ऑल द बेस्ट। वक्त कितना जल्दी निकल जाता है ना, अभी यहाँ आए थे और अभी जाना पड़ रहा है। लग रहा था अब जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आने लगा है, बेफिक्र जिंदगी जीने का समय अब आंखों के सामने से जाने लगा है। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र भी नहीं थी, यहां से जाने का मन नहीं था, कॉलेज की जिंदगी अब खत्म हुई थी। वो आखिरी दिन, वो आखिरी पल अपनी क्लास में जब बैठे थे, कुछ खो रहा था कुछ मिल रहा था, पर उसे इतनी जल्दी नहीं खोना चाहते थे। अभी तो ये कॉलेज अपना लगने लगा था, अभी इसे छोड़ के जाना पड़ रहा था। लग रहा था अब इसके बाद क्या होगा, इन कमबख्त दोस्तों से तुम्हें दोबारा मिलना होगा, सब इधर उधर हो जाएंगे, शायद कुछ रह भी जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल ऐसा मोमेंट वापस कहाँ बना पाएंगे। अपने कॉलेज की कितनी बेइज्जती करते थे, आज उसी कॉलेज की याद आती है। कभी जब उस रास्ते से गुजरेंगे तो पूरी कॉलेज लाइफ फिर एक बार जिएंगे। हम हमेशा से चाहते थे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाए, ख्वाहिश करते हैं कि फिर से वो पल लौट आए। हम आए थे यहाँ अनजान बनकर, गए यहाँ से यादें लेकर, जब देखा आप बनने पलट कर, मजेदार था यार वो कॉलेज का सफर। Yeah.
Which is your favorite hangout location in the college? Badminton court. LCR. Library. The Wi-Fi. CBTC auditorium. Dreams practice hota tha isliye. Paris. BCR. Subject you dislike the most? Aisa to koi subject. Biochemistry. I do not like it. Pharmacology. Microbiology. Pharmaca. I know, right? Biochemistry. Biochemistry. The first impression about someone which has completely changed now. Parita. बहुत डर लगता था उससे बात करने में, बट अभी इतनी अच्छी दोस्त है वो. I used to think Akshaya hates me, but now we are close friends and I love her. Now. Actually, I do not have any, but people had very different first impression about me, but it has completely changed now. Aishwarya Gayakwad पहले बहुत पागल थी, अब ज़्यादा. I guess Akshaya, क्योंकि starting में I thought she's a really introvert person, but अभी she's like awesome. What was your survival kit in KEM? Chai. Akshaya. Rachel and Akshaya. तो अभी तुमको लगेगा कि मैं दृष्टि एंड अक्षया बोलूंगी, बट एक्चुअली आई हैव सर्वाइव फ्रॉम देम इन दीज फोर इयर्स. माय पोस्टिंग पार्टनर्स, माय कवाली ग्रुप, मे बी द ग्रुप फ्रेंड्स और गैंग. Kavali, Kavali. 14 members. Same answer, no difference. Kavali, yes. What is the origin and insertion of honeymoon muscle? What? Huh? Honeymoon muscle. Sartorius. Medial. Origin and insertion? Okay, I don't know. Would you prefer SLR or slum test? SLR, definitely. SLR. What is the one thing you will miss most about KEM? Chilling with my friends in LCR. CCT chai. Free time talks in CR. Avishkar, dreams in specifically? Organizing stuff. Avishkar in the second year. Batch awards all the time. The batch trips. It has been the most fun part everything, doing everything. Avishkar. Avishkar. Friends ke saath gossiping in LCR. My teachers, my friends, my seniors as well as my juniors, everyone. My friends Komal, gossip with Komal's Akansha. Lunch at CC, RM or main boys? Ghar ka khana bro. Boys. Main boys. Lunch at Aragon. RMO for sure. What about you? CC. Favorite posting? MSK, it was first posting, so acha tha. Fitness. MSK. Fitness. I think mine was CVTC. Mine was Neuro. Peds. What is your advice for our juniors? All of you guys, you are doing well. Ho jayega ye sab khatam jaldi. Tension mat lo zyada. And you are doing great. क्रिप करना बंद करो और जो है उसको एक्सेप्ट करो. नॉर्किंस बहुत अच्छे से पढ़ो गाइस. नो एडवाइस, बस टीचर का सुनो. योर फेवरेट इंटर्नशिप मेमोरी? 12th November 2:45. योर मैसेज फॉर योर बैचमेट्स? बैचमेट्स क्या ही बोलूं बैचमेट्स के बारे में. तुम लोगों ने जो हेल्प की इन 2-3 सालों में, वो मतलब ऐसे वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊंगा. लाइक कहने के लिए तो काफ़ी कुछ है, बट आई जस्ट लाइक टू से एट दिस वेरी मोमेंट दैट आई जेन्युइनली विश एवरीवन ऑल द सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इयर्स टू कम. एंड सब होपफुली अपने फील्ड में सब ग्रो करें अच्छे से. या
मैंने बहुत इंजॉय किया है, सबने बहुत मस्ती मजा की है और उसमें मैं बहुत खुश हूँ और सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और हर बार सब मेरे लिए अच्छे ही साबित हुए। मेरा ज़्यादा कॉन्टैक्ट किसी से कम है, किसी से ज़्यादा है, पर मैं खुश हूँ जो कुछ भी मेरे लिए मिला। माई बैचमेट्स, आई एम वेरी लकी टू हैव गॉट दीज बैचमेट्स, दे आर फ्रेश। आई लव यू ऑल। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? टू बिकम फेमस। मुझे ये रास्ता सुधारना है पहले डिपार्टमेंट के सामने का। अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। फर्स्ट आफ्टर डूइंग माय इंटर्नशिप। स्किप। Ma'am, what are your thoughts about the batch of 2018 and what advice would you like to give us? Hi all of you, the batch of 2018. I think when you were in your second year and going for prelim, that time your lockdown started and your third and fourth major years of clinical exposures went into attending the classes from home. And actually we couldn't keep the track of whether you are attending or not attending. So we were a little skeptical when you came to internship about your clinical exposure. But you did it very well. In your batch there are mixed population, there are artists, there are players, sports persons, there are authors, or there are the people who can do poetry. So actually it is a very good batch. And it is always, I have always liked your batch and all the best for your future. And for your future, I want to give you only one advice. You try to do certain things in which you find the happiness. Because ultimately, profession, everything matters. But what most matters for your life is you have to be happy. So all the best for your future. And keep coming, keep in touch. And please tell whenever you reach any heights, please come back and let us know. We always feel proud of you. Thank you. So ma'am, what are your views about the batch of 2018 and what advice would you like to give us? Yes, good morning, dear students and parents. I'm Archana Thurigani. I have been second year in charge for this particular batch and I have seen this batch go through first year, second year, third year, fourth year, and now they're exiting from the department. So I would definitely like to thank this batch being so obedient, so talented, and so receptive to whatever information was being given. They applied that particular knowledge very well. That answers your first question. Second question, advice for the batch. Yeah. So not that too much of advice is not needed right now. What I would like to say is I'm thankful, okay, for giving me opportunity to be there with you all for entire journey of your undergraduate studies. And what else I would like to tell all of you is that please involve yourself in the situations that you are. Take calculated decisions about your future, about your investments, about your future partner in your life, because those are most important decisions and they would really make a big difference to your entire life based on what you have done in these three areas. So first is your own professional career, second one is your how are you managing your resources, and third is how are you making good decisions, thoughtful decisions basically. Okay, thank you so much. I'm not afraid to die.
चोर है।